जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में शुक्रवार को पहुंचे आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी लालजी बाबू श्रीवास्तव का शिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं एमएलसी प्रत्याशी ने अपने पक्ष में वोट देने के लिए शिक्षकों से जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। एमएलसी प्रत्याशी लालजी बाबू श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हमारे लिए शिक्षकों का मान सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि मैंने एसआरके इंटर कॉलेज में 42 वर्ष प्रवक्ता पद पर और प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया है। वहीं कहा कि मैं वर्तमान में कैंसर पीड़ितों, विधवा बेसहारा महिलाओं, बेसहारा बच्चों की निशुल्क सहायता के साथ साथ गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाने का कार्य भी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षकों को समान वेतन मिले, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के साथ साथ अन्य जरूरी कार्य करने का भी उन्हें मौका मिलेगा। गौरतलब है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों और शिक्षकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जी, मेरा नाम लालजी श्रीवास्तव है। एसआरके इंटर कॉलेज में 42 वर्ष प्रवक्ता पद पर कार्य किया है। उसी दौरान उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य पद पर भी कार्य कर चुका हूँ। इसी दौरान मैंने ये निर्णय किया है कि आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ, एमएलसी का प्रत्याशी हूँ और इस समय वर्तमान में मैं कैंसर पीड़ितों की निःशुल्क सहायता, विधवा बेसहारा महिलाओं की निःशुल्क सहायता, बेसहारा बच्चों की निःशुल्क सहायता, गरीब बच्चों को निशुल्क कोचिंग कराना का कार्य कर रहा हूँ। विधायक चुनने के बाद मेरी इच्छा है और मेरा संकल्प भी है कि पूरे देश में एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश पढ़े, चाहे बिहार पढ़े, चाहे महाराष्ट्र पढ़े, चाहे उड़ीसा में पढ़े, एक शिक्षा नीति होनी चाहिए और दूसरी शिक्षा का माध्यम हिंदी रहना चाहिए। संस्कृत का ज्ञान कराना चाहिए क्योंकि संस्कृत हमारी भाषा से निहित भाषा है और साथ ही अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषा ऐच्छिक होनी चाहिए। हमारी परीक्षाओं में भी हिंदी भाषा के अनुसार ही परीक्षा लेनी चाहिए और प्रादेशिक भाषाओं का उसमें महत्व होना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद मैं दूंगा समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। वो किसी भी कॉलेज में काम करे, चाहे प्राइवेट में चाहे रेगुलर में, सबको समान वेतन होना चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, जो सामूहिक बीमा समाप्त कर दिया है या पारिवारिक पेंशन, जो पारिवारिक नियोजन वाली पेंशन समाप्त कर दी है, वो भी यहाँ लागू भत्ते होने चाहिए। वित्तहीन संस्थाओं में वित्तहीन के शिक्षक और अन्य लोग भी मानदेय मांग रहे हैं। मेरी मान्यता है कि मानदेय की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी पूर्ण शिक्षक है, पूर्ण शिक्षक का कार्य करते हैं। उनको समान वेतन जिस तरह से एडेड कॉलेज और राजकीय कॉलेज में मिल रहा है, उसी तरह से उनको समान वेतन मिलना चाहिए। उनके क्लर्कों को, उनके कर्मचारियों को समान कार्य के आधार पर समान वेतन की मैं मांग करता हूं। और जो भी विसंगतियां हैं वेतन में, कई विसंगतियां बना रखी, कई प्रायः शिक्षक बना रखे हैं, मतलब ये शिक्षक शिक्षक होता है, परिभाषा जो पढ़ाता है वो शिक्षक है और उसको समान वेतन मिलना चाहिए। जैसे प्राइमरी सबको मिल रहा है, वो प्राइवेट और उसको भी मिलेगा, रेगुलर पढ़ रहा है, सबको समान वेतन मिलना चाहिए, मेरी ये मांग है।